स्पेसिफिक तड़का ऐड कर दिया जाए। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी और आपकी स्क्रीन से अब आएंगे सारे टॉप कॉल्स। गावा सर गुड मॉर्निंग, आप सुबह जुड़े नहीं, ये अपने अपना मजाक उड़ा रहे थे, चाचा भतीजा का कविता में मजाक उड़ाया इन्होंने। अच्छा हाँ, मैं अब ढूंढ रहा था आपको मदद के लिए, आप मिले ही नहीं। कितने आपने मुझे फोन वोन तो किया नहीं। तो मैं ऑन एयर था ना, मैं फोन कैसे करता, मुझे बताया भी नहीं था किसी ने। मुझे खुद नहीं पता था कि 8 बजे की कविता में अपन दोनों को लपेट लिया जाएगा। अरे कविता नहीं किया अभी, आने तो कविता को। अरे कविता ने नहीं, वीरू की कविता शायरी चार लाइन ना। एक रिक्वेस्ट है, अब कविता से ये सीधे इंदौर पहुंच जाते हैं। एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है वीरू के लिए, उनको एक अपना एक साइट बनाना चाहिए जहां पर वो कविता पोस्ट करे। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ऑफिशियल, पहले दो तीन बार बोल चुका हूँ, वो नजरअंदाज करते हैं। ना ना ये मैं करूंगा, मैं मेरा पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है, इनकी सारी चीजें इकट्ठा करके उस पर मैं कमाई करूंगा। मैं तो किताब लिख दूंगा। हाँ, आप फिर वो उसमें अपनी पार्टनरशिप भी रहेगी। अच्छा गावे सर, आज का टॉप कॉल। आज का टॉप कॉल है, वेल मैं डिफेंसिव में जाऊंगा, बिल्कुल डिफेंसिव, और स्टॉक का नाम रहेगा नेस्ले, ट्रेड करा है 2490 पर। इसमें अगर डिप मिलता तो खरीदना चाहिए, और स्टॉप होगा 2460, मतलब 40 रुपए का। अपमूव अगर मिल जाता है ना तो 2550, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। डिफेंसिव बेट आज ध्यान देना चाहिए नेस्ले। नेस्ले इंडिया गावा सर का प्रिफर्ड आइडिया। मानस गुड मॉर्निंग, मानस आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन कल हमें लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक अब रैली रिज्यूम हुई है, तो करंट लेवल से करीब 150-200 पॉइंट का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 6624 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है, खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल्स में, और टारगेट सेट करने हैं 6850 के। 6850 के टारगेट के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी कर सकते हैं, या तो 6700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो 202 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी उसके आसपास मिले, तो 169 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए इस ऑप्शन में, और 265 के टारगेट से करिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, नेस्ले इंडिया, ये सब प्रिफर्ड आइडियाज। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, शिल्पा जी आज का टॉप कॉल मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, कल मैंने क्लोजिंग शो में एस्ट्रल सेल दिया हुआ था, सो आई वुड स्टिक टू दैट कि एस्ट्रल में अभी भी वीकनेस है। मुझे लगता है कि जब तक ये 2220 के ऊपर नहीं जाता है, इसमें डाउनसाइड टिल 2100-2080 तक अभी भी ओपन है, तो आई विल स्टिक टू एस्ट्रल सेल। एस्ट्रल पे सेल रेखो, जब तक ये 2220 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे कामकाज कर रहा है, ये वीक है, अनफिनिश बिजनेस है, 2100 तक जाने की तैयारी कर सकता है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, सतपुते साहब आज का पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सेक्टरल रोटेशन होगा बैंकिंग में, इन पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक ये इसको लीड करेगा, और कल जिस तरह से एचडीएफसी बैंक का क्लोज हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक चांस हम ले सकते हैं, एक ट्रेड हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो देखिए, आज एचडीएफसी बैंक अगर वीक भी खुलता है तो हमें लॉन्ग करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1625। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 1680 से लेकर 1700। मुझे लगता है आज एचडीएफसी बैंक पे एक ध्यान, एक ट्रेड, स्विंग ट्रेड बनना चाहिए। ओके, एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग में सेक्टोरल रोटेशन का फायदा मिल जाए। भाई बैंक अब तक परफॉर्म कर नहीं रहे, पर लग रहा है कि ये दिग्गज और तेजी तूल पकड़ेगी इसकी, जिसने कल आउट परफॉर्म करके दिया। सावन साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सर। जी आशीष जी, वीरू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम कल का क्लोजिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर देखे, सो ABFRL एक जो रेंज हाई बना हुआ था उसके ऊपर आया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर सपोर्ट आए तो हम बाय करें, तो एक कंडीशनल बाय होगा। 337 पे स्पॉट क्लोज हुआ है, जस्ट दो ढाई पॉइंट ऊपर, 340 के ऊपर बाय करेंगे, 340 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे 334, और यहां से टारगेट होगा 355, 355। ओके, एबी फैशन पे आपका बाय है। पार्थिव शाह हमारे साथ आज फंडामेंटल नोट पे बातचीत करने के लिए है। पार्थिव गुड मॉर्निंग, पार्थिव आज
डीप कट्स हैं ग्लोबल मार्केट्स में, और कल निक्केई में बड़ा स्लाइड था एशिया में, वहाँ भी आज पेन है, डाउ फ्यूचर्स भी काफ़ी नीचे हैं। आप एग्जैक्टली इस प्राइस पे क्या बाय करने में इच्छुक हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरू जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स, देखिए आई थिंक वी वांट टू गो विद अ वेरी वेल रन एनबीएफसी एंड दैट इज सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस आई थिंक एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसी रिस्क मैनेजमेंट और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। अगर मैं हाईलाइट दूं कंपनी की, तो इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट सुंदरम फाइनेंस के अंदर करीबन 44,000 करोड़ का AUM है। रॉयल सुंदरम जो उनका एक जॉइंट वेंचर है फॉर द इंश्योरेंस आर्म, दैट इज मैनेजिंग समवेयर अराउंड 8,700 करोड़। सुंदरम होम फाइनेंस जो की एक होम फाइनेंस की सब्सिडियरी, उसकी बुक अराउंड 13,800 करोड़ है। और सुंदरम म्यूचुअल फंड उनका जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है विच इज हाउस्ड अंडर सुंदरम फाइनेंस, वो भी अराउंड 70,000 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं कि हर एक जो बिजनेसेस है उसके अंदर विद वेरी गुड परफॉर्मेंस, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस, आई थिंक मार्केट इज गिविंग प्रीटी गुड वैल्यूएशन। यहाँ पे ये जो कंपनी है ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस FY26 बेसिस पे 3.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे, कंसिस्टेंसी देखे तो कितने सालों से ये कंपनी हैज बीन ग्रोइंग द AUM इन एवरेज CAGR ऑफ 15-17%। Not only that, this is growth with a very good return on equity. अगर return on equity देखे तो average has been around 17.5, which is fantastic state of art. Return of assets देखे तो around 3.5% के आसपास ही लोग grow कर रहे हैं। Valuation slightly elevated लगेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि this company has the ability because उनकी जो secured assets है वो all AAA rated, तो उनके cost of funds हमेशा बहुत ही कम रहते हैं। हमें लग रहा है कि ये ऐसे market माहौल में जहाँ पे valuations हर एक जगह पे बहुत stretched है, this can be a portfolio stock जो long term में काफी portfolio के अंदर value compound कर सकते। Sundaram Finance, gold standard in NBFCs, रखिए लंबी अवधि के लिए आज से, बेहद attractive ये stock। Quickly wrap up कर देता हूँ आज के top calls, उसके बाद results और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। गाबा सर ने नेस्ले इंडिया पे खरीदारी करने का call दिया है 2460 के stop के साथ। अपोलो हॉस्पिटल्स मानस की प्रेफर्ड पिक, 6624 का स्टॉप है और चाहें तो 6700 का कॉल ले सकते हैं। एस्ट्रल शिल्पा जी का एक सेल आइडिया है, इसमें 2100 तक के लक्ष्य हैं, 2220 पे अपने SL होंगे। सतपते साहब कह रहे हैं बैंकिंग में फायदा होगा सेक्टर रोटेशन का, और HDFC बैंक बढ़िया स्वीट स्पॉट पे नजर आता है, 1625 का स्टॉप लगाइए, तेजी का मन। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, सावन साहब का प्रेफर्ड पिक, लेकिन कंडीशनल बाय है, 340 के ऊपर खरीदना है, 337 पे कल क्लोज हुआ है, वैसे 2-3 रुपए चल जाए, 300 अपना कंडीशन मेट हो जाएगी, उसके बाद तेजी करेंगे, 334 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो पार्थिव और उनका ट्रेकॉम मानता है सुंदरम फाइनेंस बेहतरीन NBFC, गिरावट में इन लेवल्स पे खरीदिए, लंबी अवधि में बढ़िया कमा के देने का दमखम रखती है।